गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज भी पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत चल रहे श्री राम कथा के दूसरे दिन कथा व्यास असर्पी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने कहा कि श्री राम जी का चरित्र करोड़ों रामायण के बराबर विस्तृत है। रामायण का एक एक अक्षर महापातक को भी नाश करने वाला है। भगवान का चरित्र सभी कष्टों को दूर करके शांति व आनंद को पैदा करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे मानता है मैं भी उसे ही मानता हूँ। भगवान की भक्ति से जब भक्त भव सागर से मुक्त होकर बैकुंठ में जाता है तो वहाँ परमात्मा से मुक्त जीवन के 9 गुण समान हो जाते हैं। भक्त का संबंध भगवान के साथ 9 प्रकार का होता है। भगवान के विवाह उत्सव को कल्याण उत्सव कहते हैं। भगवान स्वतंत्र होते हैं किंतु जब भगवती से उनका विवाह हो जाता है तो माँ भगवती सीता अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु को प्रेरित करती हैं। भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से बैकुंठ चलने को कहा तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या वहाँ आपकी भक्ति करने को मिलेगी। राम जी ने कहा वहाँ तो तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, मैं और तुम एक हो जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, मैं यहीं रहूँगा। इस प्रकार से भक्त का भाव देखकर भगवान पूछते हैं कि इस सांसारिक शरीर से तुम्हें इतना मोह क्यों है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मोह शरीर से नहीं है, मोह भक्ति से है, क्योंकि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भला करो भगवान सबका भला करो भजन गाकर कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सबका कल्याण कर सकते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह जो ईश्वर का कार्य अर्थात अच्छे कार्य हैं उसे करे, तभी भगवान पूर्ण रूप से कल्याण करेंगे। कथा व्यास ने कहा कि भगवान कहते हैं कि मेरे साथ अपराध करने वालों को मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु मेरे भक्तों के साथ यदि कोई अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करता। रामायण में श्री जानकी जी का चरित्र प्राण के समान है। जानकी जी रामायण की प्राण है। करुणा भाव से निकले रामायण में माँ जानकी करुणा प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यमान है, जो सभी जीवों को अपनी संतान मानकर कल्याण करती है और प्रभु श्री राम से भी सबका कल्याण करवाती है। भगवती सीता अपने करुणा के माध्यम से पशु पंक्षियों तक में अपना अधिकार कर लेती हैं। आज लोग विवाह में दहेज के लिए बहु बेटियों को मार देते हैं। उपहार लेना या देना अनुचित नहीं, किंतु विवाह के बहाने अपनी स्वार्थ पूर्ति करना अनुचित है। दहेज समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। कथा व्यास भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जहां बड़े बड़े योद्धा धनुष को हिला नहीं सके, वहीं भगवान श्री राम सहज ही धनुष को भंग कर देते हैं। धनुष यज्ञ के अंत में परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी ने प्रभु श्री राम को ललकारा कि यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाया और उनके अभिमान को शांत किया। परशुराम जी ने उनको पहचान लिया और सम्मान के साथ उनको आशीर्वाद दिया। माता पिता की सेवा करना मनुष्य का सामान्य धर्म है। यह सामान्य धर्म को सिखाने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। विशेष धर्म के लिए भगवान लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। अपने संस्कार के प्रति भाव रखना विशेषतर धर्म है। इसके लिए भरत के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तथा विशेषतम धर्म को समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्त का भक्त विशेषतम धर्म का निर्वहन करता है। प्रभु की कृपा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। इस भजन के माध्यम से कथा व्यास ने प्रभु श्री राम के महिमा का गान किया। उन्होंने कहा कि प्रभु सब पर कृपा करते हैं, हमें अपने अंदर पात्रता लानी होगी ताकि प्रभु की विशेष कृपा हो सके। पात्रता लाने का सबसे सहज साधन भगवत भजन एवं कथा श्रवण है। कथा का प्रारंभ व्यासपीठ के पूजन से हुआ तथा समापन आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। श्री राम कथा का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। कथा में प्रमुख रूप से प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महंत मिथिलेश नाथ, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, पंचानन पुरी, यजमानगढ़ विधायक महेंद्र पाल सिंह, सपत्निक अवधेश सिंह आदि उपस्थित रहे।